अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमन खान यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ऑरेंज फेस वॉश। फेस वॉश मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूंगी, और फेस सोप का जो है वो मैं बता दूंगी कि किस मूवमेंट पे आके आप लोग जो ऐसे फेस वॉश की बजाय फेस सोप बना सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मेरे आने वाली तमाम इजी सी रेमेडीज देख सकें। तो चले हम लोग अपना ऑरेंज फेस वॉश बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं गाइस 3 माल्टों के छिलके, ब्लेंडर मशीन में ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ रोज वाटर, 1, 2, 3। आप लोगों ने जो है वो रोज वाटर इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर भर के डालने हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है ऐसे ब्लेंडर करने के लिए इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना, हम लोगों ने इसे सिर्फ रोज वाटर में ब्लेंडर करना है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो रोज वाटर के 3 टेबल स्पून भर के डालने हैं, और हम लोगों ने जो है ऐसे एक थिक से फॉर्म में लाने हैं, हम लोगों ने इसे ज़्यादा रनी नहीं करना है। अब गाइस, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फ्रेश एलोवेरा। टू टेबल स्पून हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया एलोवेरा। आप लोगों ने जो है इसके अंदर एलोवेरा मस्ट ऐड करना है। एलोवेरा जो है वो हमारे फेस से एक्ने को, पिंपल्स को, स्पॉट्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। ऑरेंजेस के जो हम लोगों ने इसके अंदर छिलके ऐड किए हैं, उसके अंदर विटामिन सी होता है, और एलोवेरा में जो है वो विटामिन ई होता है। तो ये दोनों ही हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के लिए जो है वो विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसी तरह हमें अपनी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और वाइट रखने के लिए जो है वो विटामिन की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने जो है इसके अंदर एलोवेरा फ्रेश ऐड करना है 2 टेबल स्पून, और अगर आप लोगों के पास फ्रेश नहीं है तो फिर आप लोग इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जो है वो फ्रेश एलोवेरा जेल ही यूज़ करें। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ क्रेसलिन। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो वो लोग जो है इसके अंदर 3 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, और ऑयली स्किन वालों ने इसके अंदर जो है वो सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करना है। ऑयली स्किन वालों ने भी इसे स्किप नहीं करना है। अब हम लोग जो है वो इसे ग्लेंडर कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को इसे ग्लेंडर करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, इसे जो था मैंने ब्लेंड कर लिया है, और इसे एक थिक सा क्रीमी सा पेस्ट बना लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग एक खाली प्याली लेंगे, कि गाइस ये जो इसके जो था ऑरेंज के जो छिलके थे उनका जो है ये इस तरह से निकल आया, और हम लोगों ने जो है इसका जूस वो अलग कर लिया। ये भी हमारा जो है वो वेस्ट नहीं होगा। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी भी हूँ, आप लोग इसे फेस स्क्रबर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस स्क्रबर मास्क जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया है वो आप लोग इससे बना के भी कर सकते हैं अपने फेस को स्क्रब। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, और वो मेरी वीडियो इस तरह की है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगी इसका लिंक। इसे जो है ना गाइस, आप लोग अपनी सीरम बॉटल में भी रख सकते हैं, और इसे आप लोग जो है वो विटामिन सी का सीरम बना के भी यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ऐसे आप लोग ऐसा सीरम भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, आप लोग इसे अपने नाइट में आप लोग इसे अपने फेस पे लगा के और सो सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर मैं आप लोगों को जो है वो इससे फेस वॉश बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं अब बताती हूँ हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ऐसी एक खाली ब्लैंक बॉटल लेंगे, ये देखें, इसे इसके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। आप लोग जो है इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं, अगर आप लोग इसे एक ही बार बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है इसे बहुत ज़्यादा बना के एक बड़ी बोतल में शिफ्ट करके और इसे फ्रिज में रख के और लॉन्ग टाइम तक इसे यूज़ भी कर सकते हैं।
और गाइज अगर आप लोग जो है वो ऑरेंज फेस सॉप बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो एक सॉप लें, पेयर सॉप ले सकते हैं, सॉप बेस ले सकते हैं, डव का सॉप ले सकते हैं, उसे मेल्ट करके और उसके अंदर इसे ऐड करके ऑरेंज सॉप बना सकते हैं। मैं जो हूँ वो फेस वॉश यूज़ करती हूँ, मेरे फेस पे जो है वो सॉप इतना ज़्यादा सूट नहीं करता, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर फेस वॉश ऐड कर रही हूँ लेमन का। ये मेरे पास वाइटनिंग फेस वॉश है, मेरे पास यहाँ पे जितना ये ऑरेंज सीरम है इसके अंदर मैं इतना ही फेस वॉश ऐड कर दूंगी। और इसे जो है वो अच्छे से शेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे लेमन के एक्सट्रैक्ट्स का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जो है जो भी फेस वॉश आप लोगों के पास है, ये जो फेस वॉश आप लोगों की स्किन को सूट करता है आप लोग इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकती हैं। और हम लोग जो है इसके अंदर ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई थी। यहाँ जो है मैं रेड कलर का कैप्सूल ले रही हूँ, आप लोग जो है इसका येलो कलर में भी ले सकते हैं, ग्रीन कलर में भी ले सकते हैं। हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, एलोवेरा ऐड किया है, ऑरेंज ऐड किया है, हमारे फेस को वाइट करेगा, ग्लोइंग करेगा, हमारे फेस को क्लेंजिंग देगा। इसका रिजल्ट जो है ना गाइस आप लोगों को 100% मिलेगा। लोगों को अगर मेरी ये फेस वॉश की रेमेडी अच्छी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और जब आप लोगों ने मेरी टिप से ये फेस वॉश बना के यूज़ किया तो आप लोगों को इसका रिजल्ट कैसा लगा है। और गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग करेंगे एमन खान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, उससे मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग जो है मेरी वीडियो इजीली देख सकते हैं। लाइक माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।